हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश का पेपर। वेलकम टू परमार क्लासेस फॉर साइंस। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हैमिल डैस। इसका आंसर है सी, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। सेकेंड, हु वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार। आंसर है मुकेश। थर्ड, डॉगलास डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वॉज 10 or 12 ईयर ओल्ड। वट वॉज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। एडला विडमैनसन। गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। सिक्स्थ है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज ईस्टेट ओन्ड बाई इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स। सेवन्थ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। सिमील डिवाइस इज यूज इन दिस लाइन ऑफ द पोएम। नेक्स्ट, दैट शट अपॉन देयर लिप्स लाइक कैटाकॉम। हियर कैटाकॉम मीन्स सिमेट्री स्टॉम्स ग्रेव्स, मीन्स ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अर्थ कैन टीच अस एज वेन Everything seems dead. Tenth, nature makes human being love life in spite of troubles and suffering. 11th, who is the poet of the poem Aunt Jennifer Tiger? So, answer is Adrienne Rich. 12th, the poet suggests to keep quiet for 1 second. Second question, combine the sentences using the word given in bracket. First, mein use karna hai who. He was born in the caste of bangle maker. He has seen nothing but bangles. So इसमें he को हटा देना है last वाले sentence में से। इसका बनेगा he who has seen nothing but bangles was born in the caste of bangle maker. Next, I want to live happily with my books. Their company gives me strength. इसमें whose का use करना है, इसका sentence बनेगा I want to live happily with my books. Whose companies give me strength. Third, fill in the blanks by choosing words given in bracket. First, mein, as soon as the guest arrived, the function began. The man is enough rich to help you. Third, my car broke down on the way. Fourth, all parents bring up their children with love and care. Fifth, come and sit by me. Sixth, pay attention to your study. Fourth, passenger read the passage given below and answer the questions that follow. So, इसके कुछ questions हैं नीचे। What is our wonderful world full of? Second, why would the writer like to go in the company of bright young children? If we have love in our hearts, what do wild animals do? How do human beings behave if we dislike them? Fifth, find the similar word for bloom. एंड एंटोनिम फॉर फ्यूज फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज को अच्छे से पढ़े, इन सब के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। फिफ्थ पैसेज है, अगेन रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो ये पैसेज है, इसके कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन, वॉट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। सेकेंड, वॉट हैपन विद द 9th एथलेट। थर्ड, हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर द 8th एथलेट। फोर्थ है, वॉट इज एम्पैथी। फिफ्थ है, हाउ एंड वाई डिड द अथॉरिटीज ऑनर द एथलीट। सेक्शन सी में क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके आंसर्स 20 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट इज मीन्ड बाई द मॉडर्न वर्ल्ड, द 3rd लेवल चैप्टर में से है। क्वेश्चन 7, वाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई इन द स्टोरी द टाइगर किंग। क्वेश्चन 8, वॉट वॉज द सेफ कंसर्न ऑफ सडाउस फादर द एनिमी। क्वेश्चन 9, वॉट डज मिस्टर लैम डू ऑल डे ऑन द फेस ऑफ इट। क्वेश्चन 10, वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ 3rd बेल मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इनके आंसर्स बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इनके आंसर्स 30 to 40 वर्ड्स के बीच में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस इफेक्ट डॉगलास। डीप वाटर,
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल द रेड ट्रैप? व्हाट डज द स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड एलिमेंट्री? 15, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प टू अचीव कीपिंग क्वाइट? क्वेश्चन 16, व्हाई कुड सडाव नॉट किल हिज एनिमी द एनिमी? क्वेश्चन 17, व्हाट प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड बाई द महाराजा द टाइगर किंग? क्वेश्चन 18, हैंडसम इज एज हैंडसम डज एक्सप्लेन द रिफरेंस ऑन द फेस ऑफ इट? इसके आंसर्स भी आपको गाइड में या बुक में मिल जाएंगे. नेक्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स. ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन 19, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई? लॉस्ट स्प्रिंग और व्हाट वॉज द लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट इंडिगो? दो में से कोई एक करना है. क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज डॉगलास ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर डीप वाटर? वाइव ला फ्रेंड्स राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द लास्ट लेसन. इनमें से भी कोई एक करना है. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वॉज द आइडिया ऑफ द पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप द रेड ट्रैप? वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स हु इज विक्टिम हियर एंड वाई? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डिस्क्राइब अबाउट गेजबर्ग इलिनोइस द थर्ड लेवल और हाउ डिड सडाव हैव हिज रिवॉर्ड द एनिमी? सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23, यू आर संजय और सुषमा, यू आर लुकिंग फॉर अ रूम ऑन रेंट न्यू नियर योर ऑफिस. ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली. योर टेलीफोन नंबर इज 1234123412. एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी है हिंदुस्तान टाइम में दैट यू नीड आप रेंट पे होम चाहिए आपके ऑफिस के पास. इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी है. आपका टेलीफोन नंबर दिया इसे यूज़ करके. और यू आर आर्ची और अर्चित सेक्रेटरी इंटरेक्ट क्लब बेंगलुरु. ड्राफ्ट अ नोटिस आस्किंग ऑल द क्लब मेंबर्स एंड द अदर स्टूडेंट टू ज्वाइन अ वॉक ऑन द वर्ल्ड डायबिटीज डे टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डायबिटीज. इसमें डायबिटीज से रिलेटेड एक नोटिस ड्राफ्ट करना है. क्वेश्चन 24 में आया, यू आर सिद्ध और सिद्धि ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर. इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स इन योर स्कूल एरिया विद द हेल्प ऑफ डिग्निटरीज एंड स्टूडेंट. राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड फॉर योर स्कूल मैगजीन. स्कूल मैगजीन के लिए 100 वर्ड पे एक रिपोर्ट बनानी है खुद को सिद्ध या सिद्धि मानकर. और ट्रांसलेट द पैसेज इन टू हिंदी. हिंदी में ट्रांसलेटर करना है इसे. इट इज़ सैड दैट अ हेल्दी माइंड रिमेंस इन अ हेल्दी बॉडी. ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन. ओवर ईटिंग एंड ओवर जंक फूड हार्म्स आर बॉडीज. ईटिंग एट राइट इंटरवल इज अ डिजायरेबल थिंग. रेगुलर एक्सरसाइज टोन अप द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड गिव दैम स्ट्रेंथ. रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर द फोर एसेंशियल थिंग्स फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ. So it is our duty to keep the human machine well in order and going. If your body is in perfect health, you enjoy life. So we must all do regular exercise and remain fit. इसके हिंदी में ट्रांसलेटेड करना और कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन. राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू द चेयरमैन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर. ऑल्सो गिव योर डिटेल रिस्यूम टू बी सेंट अलॉन्ग विद द लेटर. एक एप्लीकेशन लिखनी है. या फिर इमेजिन यू आर अरुण और अंजलि लिविंग एट नगीना बाग चित्तौड़गढ़. राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस. इसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है खुद को अरुण या अंजलि मानकर. आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना.